ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्रोशिया से बना हुआ खूबसूरत बैग। इसके लिए हमें 24 फंदे की चैन लेनी होगी। उसके बाद पहला फंदा छोड़कर दूसरे में इसी को डायरेक्ट निकाल लेना है, फिर बल लगा करके दोबारा निकाल के साथ गिरा देना। इसी तरह से पूरा पैटर्न बनेगा। इसी तरह से एक को एक साथ निकाल देना, फिर बल लगा करके निकालना है उसको, तीनों को एक साथ गिरा देना है। इसी तरह से बनाते जाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जितने इंच का आपको बड़ा बनाना है, जितना छोटा है बड़ा आप बनाना चाहते हैं, उतना बड़ा इसको बना सकते हैं। उसके बाद एक भाग हमें चारों तरफ इसके बाउंड्री सी बनानी है, इसी टाइप से हर एक फंदे में एक कोने चारों तरफ हमें इसी तरह से बनाना है। कोना एकदम बिठाना है हमें, गुलाई में नहीं लाना है, एकदम चौकोर कोना बनाना है। उसके बाद यहाँ तीन चैन लेकर के डबल क्रोशिया से ऊपर वाला हिस्सा जो है उसमें हर एक चैन में डबल क्रोशिया बुनना है। ऊपर वाला हिस्सा जो है वहाँ तक बनाना है इसी तरह से। उसके बाद हमें इस पल्ले को फोल्ड करना है और देखना है बीच से चार फंदे छोड़ करके पांच फंदे में हमें कोई भी निशान लगा करके हमें वहाँ तक डबल क्रोशिया बुनना है। सेम इसी तरह से अब इसको टर्न करके दूसरी साइड बनाना है। डबल क्रोशिया हर एक चैन में डबल क्रोशिया बनाना है कोने तक। बीच में दो फंदे छोड़ करके, दो उधर साइड से दो इधर साइड से, टोटल चार हो जाएंगे। उसके बाद हमें टोटल डबल क्रोशिया से कोने तक बुनना है। सेम इसी तरह से पूरा बुन देना है, जिस तरह से उधर साइड से बुना था उसी तरह से इधर साइड से बुन देना है। और इन दोनों को जहाँ पे जॉइंट दिखेगा सेल्फ स्टिच से जॉइंट कर देना है। थ्रेड कट करके एक सुई की मदद से इसे
सिलना है। इस तरह करने से बिल्कुल जॉइंट का पता ही नहीं चलेगा कि जॉइंट आया कहाँ पर है। दोनों कोनों को मिला करके फिर इसको सिल देना है दोनों साइड से। अब इसमें स्लिंग लगानी है। स्लिंग लगाने के लिए हमें फिनिशिंग आए एक नॉट लगा करके उसी को छोड़ करके उसी पैटर्न से साइड में से सिलाई कर देनी है। उस नॉट को छोड़ देना है, एक अलग धागा लगेगा उसके लिए। यहाँ पे कोने पर होल दिखेगा तो इसको हमें इस तरह से करके और ऐसे सिल देना है पूरी सफाई के साथ कि वो बुरा भी ना लगे। अगर आप इस तरह से सिलेंगे तो बिल्कुल भी जॉइंट का पता नहीं चलेगा। एक नॉट लगा करके धागे को अंदर साइड करके कट कर देना है इस तरह से। नॉट लग चुकी है, अब इसे कहीं भी हमें धागे को छुपा देना है और कट कर देना है। अब उसके बाद हमें चैन बनानी है। चैन मतलब डोरी स्लिंग। इस तरह से इसको हमें लगभग 46-47 के लगभग बनाए। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप जितनी लंबी बनाना चाहें वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितनी छोटी या बड़ी चाहिए। फिर इसको दूसरी साइड जॉइंट करके और बाकी का धागा फालतू काटना है और उसी से दूसरी साइड को सिल देना है कंप्लीट। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से बैग तैयार है। सॉरी इस पर पानी गिर गया था, उसकी वजह से कलर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है दूसरी साइड से। ये देखिए कितना प्यारा बैग बनकर तैयार है, एकदम न्यू डिज़ाइन।